छत्तीसगढ़ में जिला बालोद कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने गुंडरदेही विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव मौजूद थीं। उन्होंने ग्राम कमरौद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रही डबरी गहरीकरण कार्य का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कार्यस्थल में पहुंचकर मजदूरों से चर्चा भी की। मनरेगा के कार्य अभी जो मौसम चल रहा है इसमें धान की कटाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और सभी के द्वारा धान बेचा भी जा चुका है। हमारे ज़िले में लगभग 88% किसानों के द्वारा धान बेचा जा चुका है। तो अभी जो मनरेगा के कार्य की डिमांड है वो बहुत अधिक है और ज़िले में इस समय लगभग 40,000 के आसपास मजदूर कार्यरत हैं और आने वाले सप्ताह में उसके बढ़ने की भी संभावना है। आज इसी क्रम में यहाँ का निरीक्षण किया गया। गोदी का निर्माण, यहाँ पे एक तालाब का निर्माण किया जा रहा है, सामुदायिक तालाब का निर्माण एक तरफ, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी यहीं पे मिल रहा है, दूसरी तरफ एक बढ़िया एक वाटर बॉडी भी इनको कुछ दिन बाद मिल भी जाए।